हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब सर्दी का मजा ले रहे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर की चर्चा हम कर रहे थे, जिसका एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। और इस सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया था नए एजुकेशन रेगुलेशन की तरह, जिसका पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। तो हम कुछ इस तरीके की चर्चाएँ कर रहे थे कि कैसे हम फार्मेसी का उपयोग करके समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। समाज के लिए उपयोगी हम तब साबित होंगे जब हम समाज के लिए कार्य करेंगे, और समाज के लिए कार्य करने के लिए ये सब्जेक्ट आपके लिए आवश्यक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। आपके सिलेबस के हिसाब से ऑलरेडी 4 पॉइंट्स अपलोडेड हैं, जिसमें हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी का भारतीय पर्सपेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब अगला पॉइंट शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये दो गोल्स जो हम पूरे करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, जो कि पार्ट 5 है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इससे पहले के 4 पार्ट्स देख कर आइए, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हम कैसे पढ़ते हैं और क्या करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए फार्मेसी को और इस सब्जेक्ट को ईजी बना सकूँ, आसान कर सकूँ। ठीक, चूँकि डी फार्मा में 12th पास आउट बच्चे आते हैं हिंदी मीडियम से, तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में और सरल भाषा में समझा सकूं। शब्द है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मेरा या हर पर्सन का मानना ये होगा कि जब भी हम बीमारी को हटाने की बात करते हैं, तब हम हाइजीन की बात करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई प्रकोप खड़ा होता है महामारी का, तब तब एक पॉइंट आता है कि हमें उन लोगों को ज़्यादा ऊपर रखना है जो कि गरीब हैं और अनपढ़, क्योंकि उन्हें चीज़ें नहीं पता होती हैं। वो जल्दी भड़कावे में भी आ जाते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं, और जो गरीब होगा जब वो सावधानी ही नहीं बरत पाएगा, तो फिर पॉइंट ये आएगा कि सावधानी नहीं बरतेगा तो महामारी का शिकार हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, उसके लिए WHO या जो भी हेल्थ रेगुलेटरीज हैं, उन्होंने कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स निकाले, उन्होंने कुछ गोल्स बनाए, कुछ लक्ष्य बनाए जिन्हें वह पूरा करना चाहते थे। उन गोल्स में से एक गोल्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हम चर्चा इन गोल्स की करते हैं। द 8 MDGs ब्रेक डाउन इनटू 18 क्वांटिफाइबल टारगेट्स। पहले उन्होंने 8 लक्ष्य बनाए थे, उन 8 लक्ष्यों को 18 क्वांटिफाइबल का मतलब है जिन्हें गिना जा सके, क्वांटी माने गिना, टारगेट माने लक्ष्य जो आपको दिया जाए, दैट आर मेजर्ड बाई 48 इंडिकेटर्स, जो कि 48 इंडिकेटर्स के द्वारा नापे जा सके या देखे जा सके कि ये लक्ष्य हमारे प्राप्त हुए अथवा नहीं। तो मैं यहाँ ये कोशिश करूँगा कि आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन दूँ कि ये क्या थे, इसमें कैसे क्या होना है और क्या है। बाकी आप लोग चूँकि 12th पास करके आए हैं और इस देश के हिस्सा हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि हमें समाज में किन चीज़ों से जूझना पड़ेगा, वो सब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आएगा। 191 यूनाइटेड स्टेट के मेंबर थे, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स थे, जिन्होंने 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किया और ये कमिट किया कि वो 2015 तक इन गोल्स को अचीव करें। ये पुरानी बात है हिस्ट्री। इन गोल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला गोल है कि यदि मुझे भूख लगी होगी और मैं खाना नहीं खा पाऊँगा, यानी मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हेल्थ नहीं बन सकता। और प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर इनकम होना जरूरी है। तो पहला उनका पॉइंट यही था कि इनकम ना भी हो तो हम एक राशन की प्रक्रिया चलाएं और पॉवर्टी और हंगर को हटाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, जब भी किसी इंसान को अपनी ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करना है, तो उसे पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा लिखा हो, अदरवाइज़ मैं ये कह रहा हूँ कि उसे अपनी बेसिक नीड्स के प्रति शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से मिले। ठीक, तो उसे प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। पूरे संसार के लोगों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए पूरा करने की कोशिश करी गई। उसी के दौरान ऐसा प्रयास किया गया कि 9 तक कोई फेल ना हो, क्योंकि बच्चे फेल हो जाते थे, माँ बाप उन्हें निकाल लेते थे। हमारे यहाँ इस तरह की पॉलिसीज बनाई गई और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया या छात्रवृत्ति देने की प्रयत्न किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। मैं इस पॉइंट के साथ थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा टू एम्पावर ह्यूमन, यानी मानव को हमें शक्तिशाली बनाना है। तो मानव को शक्तिशाली हम तब बना पाएंगे जब गाड़ी के दोनों पहिए एक साथ चलेंगे।
एक पहिया पंचर होगा तो एक पहिया अकेले लोड नहीं उठा पाए। नेक्स्ट, टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी। पिछले पार्ट में भी हमने ये चर्चा की थी कि हमें किसी न किसी तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उन्हें वैक्सीनेट करना है, उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी है जिससे कि वो लड़ सकें। और प्रॉपर हम लोगों ने उस पार्ट में देखा था, अगर आप नहीं देखें तो जाइए और उसको देख कर आइए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर रखी। नेक्स्ट, टू कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़। ये कुछ इस तरह की डिजीज़ हैं जिन डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर ये डिजीज़ बिगड़ गई तो कल्याण हो गया, तो हम इन डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकें और अगर बाई चांस ये हो जाएँ तो डिले कर सकें डॉक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एक ऐसा पर्यावरण हम बनाने की कोशिश करें जहाँ पॉल्यूशन ना हो। ठीक, और पॉल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे। टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और हम एक दूसरे से देशों के माध्यम से जुड़े हों जिससे डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन गोल्स को भी वही यूनाइटेड नेशंस ने बनाया, चूँकि वो सबसे ऊपर रहे, सुप्रीम रहे, तो उनका ही काम था कि वो इस प्लानट को ठीक रखें, इस धरती को ठीक रखें और पॉवर्टी को ख़त्म करें। तो उन्होंने 2015 में इस तरह की चीज़ें उठाई और 2030 तक कोशिश की कि हम पीस और प्रॉस्पेरिटी से रहें, चूँकि शांति बहुत ज़रूरी है। जब महाभारत होना की बारी आई तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शांति कोई विचार नहीं है, जिस तरीके से शांति मिल सके उसे ले लो। तो उन्होंने इस तरीके से कोशिश की कि कुछ गोल्स बनाए जाएं जिनसे शांति हो सके, क्योंकि अशांति की कंडीशन तब आती है जब या तो लोगों के पास खाने को नहीं होता या रहने को नहीं होता। महाभारत का युद्ध भी इसी सिचुएशन में शुरू हुआ था कि जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए। ठीक, सो द गोल्स आर इंटीग्रेटेड एंड रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट आउटकम्स इन अदर्स। यदि हम एक थोड़ा सा अपोजिट कर लेते हैं, 10 बच्चे हैं उदम कर रहे हैं शुद्ध बुंदेलखंड, हम एक को पीट दें वो 9 भी शांत हो जाएंगे। ठीक, तो यानी क्या हुआ, सोशल बैलेंस हो गया। तो हम कुछ इस तरीके के स्टेप्स उठाएं कि एक जगह हम सो करें कि राशन बांट के देखते हैं, हो सकता है वहाँ सही हो जाए, तो वो 9 लोग भी सोचेंगे कि अगर हम शांति से रहेंगे तो हमें भी राशन मिलेगा, या हम इस तरीके की कोशिश करेंगे। एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिस्टम। अब एक चीज़ है कि राशन तो हम बांटें लेकिन जो तबका राशन नहीं ले रहा है वो तबका पिछड़ने लगे, तो ये भी गलत है। सोशल बैलेंस को बनाना चाहिए और एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए। चलो वो 17 गोल्स देख लेते हैं जो हमें देखने हैं। मेन है ये आपके गोल्स। पहला गोल गरीबी हटाओ, दूसरा गोल भुखमरी हटाओ, तीसरा गोल स्वास्थ्य अच्छा करो, चौथा गोल शिक्षा अच्छी, पाँचवा गोल जेंडर इक्वालिटी, अगला गोल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अगला गोल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एनर्जी इस तरह से हो, एनर्जी का अर्थ ऐसा है, दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक, मोटरसाइकिल इस समय सबकी नीड है। ठीक, दूसरा लाइट सबकी नीड है, तो ये ऐसे प्राइस में मिले कि इसे हर आदमी देख सके। तो मोटरसाइकिल तो फिर भी ले ले, लेकिन तेल उसे उस प्राइस में मिले कि वो उस मोटरसाइकिल को चला सके, लाइट उसे उस प्राइस में मिले कि वो उस लाइट का यूटिलाइजेशन अपनी लाइट के प्रति कर सके और अंधेरा हटाए। जब अंधेरा हटेगा तो बेहतर चीज़ें होंगी। सेकंड, लाइफ ऑन लैंड को आसान करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ राशन के तौर पर उसे फ्री दे दें, फ्री बिजली, फ्री पानी एट्सेट्राज, और वो जो है काम करना छोड़ दें, तो फिर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तो ख़त्म हो जाएगी देश। और जब देश की इकोनॉमी नहीं होगी तो हम कुछ भी कर लें फिर हेल्थ नहीं बनेगी, लाइक श्रीलंका आपातकाल लग गया था। नेक्स्ट, हमारे यहाँ इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, बनना भी चाहिए, खोज भी होना चाहिए और प्रॉपर प्रोडक्शन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। किसी भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की कोशिश करें। नेक्स्ट, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़। ऐसी कम्युनिटीज़ को बनाएं जो बेहतर सस्टेन्ड हो। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जो जिस काम को कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि उस काम को वो बढ़िया तरीके से करता रहेगा। क्लाइमेट एक्शन, सर्दी आई तो ये बताने की ज़रूरत पड़ी क्या कि सरकार ने गैजेट में नोटिफिकेशन दिया कि सर्दी आ गई है और स्कूल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, लाइफ बिलो वाटर, यानी वाटर के नीचे की जो लाइफ है उसको भी हम लोग मेंटेन करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमें समुद्र से मिलता है। नेक्स्ट, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड लास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स।
इन दोनों सबकी पार्टनरशिप भी करनी पड़े लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो करी जाए। इन गोल्स को, चूँकि अभी मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा था, अब उसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। तो जिनको प्रॉपर इंग्लिश बनाने में दिक्कत है वो इन पॉइंट्स को एक बार देख ले और इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना ले, ठीक। जैसे एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको मटेरियल ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, वो इस तरीके से। यहाँ मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा, बस सेंटेंस बना दिए जहाँ इतना, देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 17 के 17 गोल्स अपने एंड से अपनी कुछ भी नहीं करना, आपको इन्हें याद नहीं करना। ऐसा नहीं है कि ये 17वां ऊपर पहले नंबर पे पहुंच जाएगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये 17 गोल्स आप बस ध्यान रखिए और लास्ट गोल को ज़रूर कि हम एक दूसरे से पार्टनरशिप भी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चूँकि 10 मिनट 10.5 मिनट बहुत होते हैं मेरे हिसाब से एक लेक्चर के लिए, अन्यथा बोरियत होने लगती है, ठीक है। मिलते हैं FIP के साथ शायद जी, धन्यवाद।